तो अभी मैंने ये लगाया है अपने हेयर में। अरबन गबरू एक ऐसी कंपनी है जो लड़कों को बोलती है कि स्टाइल्स में रहने का, तो यही है उनका ज्यादातर, वो स्टाइल में रहने वाले पुटेगी बनाते हैं कि वो आजकल ट्रेंडिंग चल रही है रील्स और शॉर्ट, हर किसी को हीरो बनना है, तो वही सोच के वो नए नए पुटेक लॉन्च कर दिया और हर कोई दोस्तों अच्छा दिखने के चक्कर में उनके पुटेक को आंख बंद करके ले लेता है। अरबन गबरू से मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं, लेकिन उनके पुटेक मुझे सही बाकी में अच्छे नहीं लगते, और ये मोस्ट वायरल पुटेक है तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं आखिरकार इसमें ऐसा क्या, क्योंकि अब तक जितने भी मैंने पुटेक का रिव्यू करे अरबन गबरू के और भी मैंने ऐसे पुटेक बनाए जिसकी मैंने रिव्यू नहीं किए, तो मुझे स्पेशली बताऊं ना अच्छे ही नहीं लगे इनके कोई भी पुटेक। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस हेयर कॉम एक्वावैक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये नॉर्मल वालों को स्टाइलिश करता है कि नहीं करता है। तो लेट्स सी। आप देख सकते हैं ये बोतल की तरह ये जेल है, लुक देख लो आप किस तरह का इसका लुक है, ये बोतल कैसी है, और इसमें क्या है हमें कंघी करनी जरूरत नहीं है बालों में इस जेल को लगाने की, क्योंकि इसमें एक अंदर एक कंघी हमें देखने को मिलती है, तो ये कंघी अंदर है, मतलब जेल के अंदर ही कंघी, मतलब बहुत से मैंने जेल देखे हैं जिसको यूज करने के बाद हम कंघी से करते थे या फिर हाथ से करते थे नॉर्मली, आपको जेल हाथ से लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो कंघी है सेम उसको ही आपको लगाना है बालों में। इसका जो कॉम्ब वाला फीचर है कंघी वाला जो इसके बोतल के साथ मिलता है ये बहुत ही कमाल का है, और इसकी जो पैकेजिंग है अर्बन गबरू अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाना है कुछ हटके टाइप क्रिएटिविटी करते रहते हैं कि प्रोडक्ट ऐसे हो थोड़ी यूनिक हो, और हमारे जो भी कस्टमर हो वो हमारे प्रोडक्ट कैसी भी ऊंचा घटिया प्रोडक्ट हो लेकिन क्रिएटिविटी से आंख बंद करके ले लेता है बंदा, तो इसीलिए क्रिएटिविटी पर 10/10 इनका मैं दूंगा। तो हर कोई सोचेगा यार ये कैसा है, मतलब जिसको लेना भी नहीं है ना, तो इसकी जो क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं, बोतल है उसके अंदर कंघी, कभी किसी ने सोचा होगा कि बोतल के अंदर हमें एक बैग ऐसा मिलेगा कंघी मिलेगा और जिससे हम अपने बालों को स्टाइलिश कर सकते हैं नॉर्मली, तो ये अच्छा है। एंड इसकी अगर स्मेल की बात करें ना तो एक परफ्यूम की तरह स्मेल है, जैसे जैसे डेनवर की अगर आपने ड्यू लगाई होगी थोड़ा डेनवर जैसी इसकी स्मेल आ रही है। एंड इसको ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है अभी नॉर्मल आप देख सकते हैं मेरे हेयर को, एंड मैं कैमरे को थोड़ा पास में ले लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। वो देख सकते हैं मेरे फेस का अच्छा नहीं लग रहा है, एंड ट्राई करके देखते हैं क्या ये मेरा लुक चेंज करता है कि नहीं। तो अभी मैंने ये लगाया है अपने हेयर में और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरे जो हेयर है उसका स्टाइलिश जो लुक कैसा है। इसका जो लिक्विड है ना बहुत ही पतला है, मतलब वैक्स का इसका नाम दिया गया लेकिन लुकेड है भाई इतना पतला है, मतलब जो नॉर्मल सेट वैक्स की जेल है ना उसका भी मैंने यूज किया है लुकेड, तो वो थोड़ा नेक टाइट रहता है। अब एक बात और, जब मैं इसको यूज कर रहा था इसी कंघी को, मतलब कंघी इतनी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मतलब नॉर्मली टेढ़ी हो जा रही है, ऐसे हमारे पास जो नॉर्मल कंघे वगैरह होते हैं कंघी वगैरह होती है जब हम हेयर पर लगते हैं वो थोड़ी टाइट सी रहती है तो आसानी से बालों को वो कर लेती है, लेकिन इसकी जो कंघी है ना भाई इतनी पतली है, मटेरियल बहुत ही, मतलब कंघी मेरे बालों में टेढ़ी हो रही है, मतलब बालों को अच्छी तरह से कवर नहीं कर रही, मतलब जिसके पतले बाल है ना उसके लिए अच्छी है, मोटे वालों के लिए कंघी अच्छी नहीं है, तो इसको सिर्फ लगाने के लिए दी गई है ना कि बालों को कंघी करने के लिए दी है। पहली बात तो बजट तो ठीक ठाक है, चलो मान लो, लुक एंड डिजाइन भी ऑसम है, लुकेट बहुत पतला है यार तो ठीक है, नॉर्मल हेयर फॉल होता है ज्यादा हैवी हम बैक्स लगाते उससे तो हेयर फॉल की समस्या तो नहीं होगी, लेकिन एंड इसकी जो एंड स्मेल है वो बढ़िया है, एंड ठीक ठाक ही बोलूंगा। परचेज करना चाहते हो तो लिंक एंड डिस्क्रिप्शन, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड इसी तरह और भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कुछ भी प्रोडक्ट तो भाई कमेंट कर देना, तो वो प्रोडक्ट ले लूंगा मैं आपके रिव्यू के लिए। अभी जो लुक आपको अच्छा लग रहा है तो उस बेस पे ले लो आप, एंड मैंने तो लिया है मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है।